नमस्कार, मैं अनुराग मधोर सिटी पोस्ट लाइव के तमाम दर्शकों का आज स्वागत करता हूं पटना के ऐतिहासिक कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज में। आज यहां 2016-19 बैच का, जी हां 2016-19 बैच का फेयरवेल पार्टी मनाया जा रहा है। तो हम आइए जानते हैं छात्राओं से ही कि कैसा रहा उनका ये बीता 3 साल और उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के स्टूडेंट से। तो आइए हमारे साथ स्वीकृति। अच्छा, यहाँ से आज आप लोगों की फेयरवेल पार्टी है, कौन सा कोर्स किया आपने यहाँ से? बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स। तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे कंपटीशन लाइन, गवर्नमेंट जॉब। मास्टर्स नहीं करना है? अच्छा, कैसा रहा आपका ये 3 साल? बहुत ही अच्छा। बताएं कुछ यादगार, वैसे कुछ अच्छी बातें हों तो बताएं, आप शेयर करें हमसे। आके तो ये यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का स्ट्रक्चर, कॉलेज स्ट्रक्चर, क्लासेस, टीचर्स, सबको बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छा लगा। लोग 12th करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कॉलेज कैसा है और यहाँ का माहौल कैसा है उनके लिए? अच्छा है। आप सजेशन देंगे उन्हें कि वो यहाँ पे आए एडमिशन लें? हाँ, दूंगी। खुशबू भारती। बीकॉम ऑनर्स। आज आप लोगों की फेयरवेल पार्टी थी, तो कुछ फेयरवेल पार्टी में क्या क्या हुआ कुछ बताएं। मैं वोट ऑफ थैंक्स दिया गया, सारे HOD का प्यार और सब सिंगिंग एंड ऑल वेलकम सॉन्ग वगैरह। वोट ऑफ थैंक्स, सिंगिंग, खाने पीने का कुछ नहीं था? हाँ था। चौमिन था बस। बस चौमिन था, बहुत कंजूस है मैनेजमेंट तो। आपका शुभ नाम? नेहा अग्रवाल। बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। करने का इरादा आप? कैट। कैट साथ MBA। कैसा रहा आपका ये 3 साल? अच्छा था काफी, इसमें स्पोर्ट्स एंड ऑल सब है तो इफ मैनेज। चीज में जाना चाहता हूँ, पढ़ाई के अलावे आपने ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जिसमें पार्टिसिपेट किया हो तो जरूर बताएं। हाँ, NSS है ना, मैंने NSS में पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ फिर NSS के अलावे कॉलेज में कौन कौन सा ऐसा कोई सोसाइटी हो जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, जैसे फोटोग्राफी सोसाइटी हो गया, डेप्थ ऑफ डिबेट के लिए, या फिर प्ले जो होता है उसके लिए, ऐसा कौन कौन सा सोसाइटी यहाँ पे है? नहीं, बहुत सारा यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत लोग जाते हैं बाहर बाहर खेलने, स्टेट हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, डिबेट पे भी इनफैक्ट जाते हैं यहाँ से। सब डिपार्टमेंट सब चीज़ पे फोकस करता है, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, सब चीज़ पे फोकस करता है एंड यहाँ पे अच्छा है kind of, हाँ। बाकी ये 3 साल कैसा रहा आपका? अच्छा था, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला एंड स्टडी के साथ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज के लिए भी काफी अच्छी है ये। अनंत शुभकामनाएं आपको। सुनाम आप? आयुषी। कौन सा कोर्स किया यहाँ से आपने? BCA। आगे क्या करने का इरादा है? आगे MCA या फिर MBA। अच्छा, एक चीज बताइए, एजुकेशन के अलावे क्लास तो हर एक कॉलेज में होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या है, कौन कौन सा एक्स्ट्रा में? आप चाहे डांसिंग, सिंगिंग, आपको कॉलेज में इतना सारा इवेंट्स होते रहता है ना, तो आप कभी भी आपको पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप ऑब्वियसली बात है आप आगे जाओगे, सो इसलिए बहुत अच्छा है। कैसा रहा आपका ये 3 साल? कैसे बीत गया तो पता तो नहीं चला, बट अच्छा रहा, कुछ अच्छे मेमोरीज हैं, कुछ बुरे भी हैं, कभी डांट पड़ी, कभी सबने वो सपोर्ट किया, सो अच्छा रहा। आज 3 साल के बाद आज आप लोगों की फेयरवेल पार्टी है, तो कॉलेज छूट जाएगा, इसका दुख है? दुख भी है और आगे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए जगह जाने को मिलेगा और ज़्यादा मौके मिलेंगे, इस बात की भी खुशी है। थैंक यू। शुभ नाम आप? उत्तरा। कौन सा कोर्स किया आपने? मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स। साइकोलॉजी ऑनर्स। आगे क्या करना है? आगे मैं MA करूँगी डेफिनेटली। MBA करेंगी? MA करेंगी। MS? आगे मास्टर्स। कहाँ से? BHU। आज आप लोगों की फेयरवेल पार्टी थी जी, कैसा रहा फेयरवेल? बहुत ही अच्छा था, इट्स बेसिकली अ थैंक्सगिविंग डे, तो थैंक्सगिविंग के तौर पे किया जाता है। आपने जो अपने जीवन का कीमती 3 साल यहाँ पे बिताया उसके बारे में कुछ बताया हमें। मेरी यहाँ की जो थी, यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेहतरीन था, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करते हैं अगर आप जब इस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहा। कवलीन। कवलीन जी, अच्छा, यहाँ से कौन सा कोर्स किया आपने? इंग्लिश ऑनर्स। आज आप लोगों की फेयरवेल पार्टी है? हाँ। कैसा रहा फेयरवेल पार्टी? अच्छा था, बहुत ज़्यादा क्या उसको बोले, बहुत अजीब फील हो रहा है, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है और 3 साल में एक सेंटिमेंटल जुड़ाव हो जाता है अपने कॉलेज से, तो छोड़ते इसमें आज दुखी तो जरूर होंगी आप? हाँ, बहुत छूट जाएगा फिर 3 साल।
सबसे ज्यादा बुरा इसलिए रहा क्योंकि फ्रेंड्स छूट जाएंगे। आगे क्या करने के सोच रही है, क्या इरादा आगे? आगे मास्टर्स करना है। कहाँ से? डीयू से। चलिए, भविष्य की अनंत शुभकामनाएं आपको। लक्ष्मी पोद्दार। अच्छा, यहाँ से कौन सा कोर्स किया आपने? बीबीए। बीबीए, आगे क्या करने का इरादा है? एमबीए। एमबीए कहाँ से? जेवियर्स। जेवियर्स, अच्छा बहुत बढ़िया। अब 3 साल जो आपका यहाँ पे बीता वो कैसा रहा? बहुत अच्छा। कुछ अच्छी यादें हो तो बताएं। फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स, एचओडी बहुत अच्छी थी। आज आप लोगों की फेयरवेल पार्टी थी, कैसी रही फेयरवेल पार्टी? अच्छी, बहुत अच्छी। क्या क्या था फेयरवेल पार्टी में? फेयरवेल पार्टी में सब मैम लोगों ने स्पीच दिया, हम लोग के गिफ्ट मिला, फिर फूड पैकेट्स। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिमरन मिश्रा है। इकोनॉमिक्स से ही आप भी? अच्छा, कैसा रहा ये 3 साल? दिस ईयर हैज़ बीन अ वेरी गुड ईयर फॉर मी एज आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस कॉलेज एंड दिस कॉलेज इज़ वेरी गुड नॉट ओनली इन नेम्स बट ऑल्सो इन ऑल द अदर एक्टिविटीज। इफ वन हैज़ टू पार्टिसिपेट देन दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज इन विच एनी वन कैन कम एंड एक्सेल थ्रू आउट द 3 years ऑफ लाइफ एंड आई थिंक आई हैव स्पेंड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ हियर। My friends, my teachers, my HOD, everyone is just amazing. एक अपना कोर्स के अलावे आपने यहाँ अपने कॉलेज में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर पार्टिसिपेट किया हो तो वो बताएं? हाँ, मैंने किया था। आई हैव इन NSS, आई एम इन NSS एंड आई हैव डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ BBA। थैंक यू, भविष्य की शुभकामनाएं आप। शुभ नाम आप? श्वेता। कौन सा कोर्स किया यहाँ से आपने? बीए। बीए, बीए पास? बीए पास, अच्छा। फ्रॉम सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, अच्छा अच्छा। कैसा रहा आपका ये 3 साल? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया इस कॉलेज में, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स में हम लोग पार्टिसिपेट भी किए और टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव है। आज फेयरवेल हो गया आप लोगों का, तो कैसा लग रहा है कि 3 साल के बाद ये कॉलेज फिर छूट जाएगा? कुछ एक सेंटिमेंट हो जाता है, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से एक जुड़ाव हो जाता है, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर जाना तो पड़ेगा ही। ये तो जाना तो पड़ेगा ही। बाकी ये जो आपने यहाँ पे 3 साल गुजारा, कुछ अच्छी यादें होंगी, कुछ बुरी यादें होंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमसे आप? नहीं, ऐसा बुरा याद तो कुछ भी नहीं है, बस अच्छा याद। हाँ, तो वही शेयर करें। कोई भी है, कोई भी एक ऐसी याद जो कि स्पोर्ट्स इवेंट बहुत अच्छा था। स्पोर्ट्स इवेंट बहुत अच्छा था और हम लोग का सारे कल्चरल इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग की शिफाली मैम प्रिंसिपल बहुत अच्छी है और मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक्स टू तापसी मैम, समीक्षा मैम, सबको बहुत अच्छे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।